Good morning students, my name Navdeep Kaur, English mistress at Shahid Sukhminder Singh Senior Secondary Smart School Malala Khas. Today we will continue our topic narration. Pichli video de vich aapa kita si bhi rules na go through hoye si aur kita si bhi kime first person according to subject change karna, second according to object change karna aur third person not change. आज आप कुछ सेंटेंसेस करेंगे इंट्रोवर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप करने हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल देखो. द मास्टर सेंट इन्वर्टेड कोमा टू द सर्वेंट. द मास्टर सेंट to the servant then inverted comma. Okay, bring me a new flower today. Bring me a new flower today. ठीक है, उन्हें ये की अपना जी डायरेक्ट स्पीच इनू अपना चेंज करना इनडायरेक्ट स्पीच. पहला तो देखो जी जो थानू इंपैरेटिव सेंस के विच आंदे आगे सेंटेंसेस तो उन्हें विच पहला तो आप जो सेंट नू हटा के टोल्ड सेज द सेज सेज नू हटा के टेल्स लगाते सी. बट इन्दे विच आप की लगावे ऑर्डर्ड कमांडर्ड बैग्ड एट द एंड. ठीक है, हुण देखो जी द मास्टर सेट टू द सर्वेंट. मास्टर ने सर्वेंट को क्या ब्रिंग मी अ न्यू फ्लावर भी मैं एक नवा फ्लावर लिया के दे. तो इतने जोड़ा मास्टर आ सर्वेंट को किया ओबियसली ऑर्डर ही करूँगा. तो आप सेट टू की जगह से ही करेंगे ऑर्डर. ठीक है, द मास्टर इंपैरेटिव सेंटेंसेस के बीच सेट टू की जगह से कमांडर ऑर्डर बैक्ड इदा भी वर्ड्स लगाने. द मास्टर सेंट टू की जगह पे ऑर्डर द सर्वेंट देन इनवर्टेड कॉमास नु हटा के अपना की लगाना होता टू. इनवर्टेड कॉमास नु इतने हटा के की लगाना पा टू. ऑलवेज नहीं लगाना टू पर एथे हमेशा एथे इदा दे सेंटेंसेस जो आन के ऑर्डर्ड बैक्ड उना दे विच अपन टू लगावांगे. पहला अपन लगाते होंदे सी दैट सिंपल उन सर्वेंट टू देन फर्स्ट फॉर्म आ चुकी. पहला सेट टू की जगह पे ऑर्डर टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है टू ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म ही है. हुन सेम इथे आ गया मी मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट की आ गया जी द मास्टर. मास्टर की है जी बॉय टू ब्रिंग हिम टू ब्रिंग हिम a new flower a new flower today ko kaise change karenge apa that day a new flower that day. clear ye apne kiya imperative sentences. next one more example. the doctor said to the patient the doctor said to the patient inverted comma start eat fresh oranges and don't sit in the sun and do not sit in the sun inverted commas close. ठीक है, सेम मेथडिटी सेट टू. इतने फिर देखो डॉक्टर ने पेशेंट को क्या ईट फ्रेश फूड्स और डॉट सीट पर तो पचना बैठो. ये तो क्लियर ही है कि डॉक्टर आ जरा पेशेंट को हमेशा किया एडवाइस देता. तो इंपेरेटिव के विच की था ऑर्डर्ड एडवाइज्ड कमांडेड बैग्ड. तो हम इतने आप सेट टू की जगह की लगावे एडवाइज्ड
Ata the sentence is na 2 plus verb the first comma. To eat fresh oranges and aur dekho jithe dot aa gaya dot ne likhna not to sit dot ko apna ki karna not to sit 2 plus verb the first comma here athe clear dot sit ki jagah the not to sit in the sun clear ye hai ki apne imperative sentences not to sit in the sun one more example the beggar woman Inverted commas star please 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 then buy me a meal me a meal inverted commas close then फिर same imperative but yes here जब तो beggar woman please कह रही है तो मतलब beg वो इतने क्या request कर रही है लिखेंगे द बैगर वुमेन सेट टू रूम हटा के बैग बैग्ड अस बैग्ड अस प्लीज नो कट के की लगाओगे ना टू प्लीज नो कट देना टू प्लस वर्ब द फर्स्ट फॉर्म टू बाय मी मी इज फर्स्ट पर्सन सो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट किया बैगर वुमेन द बैगर वुमेन तब हम करेंगे हर टू बाय हर अ मी क्लियर इंपैरेटिव सेंटेंसेस दे विच अपा सेंड टू दी जगह टोल्ड नी बैक द रिक्वेस्टेड कमांडेड एट द वर्ड्स लगाने और टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म बैग्ड अस टू बाय हर मी नेक्स्ट वी एक न्यू आगे सेंटेंसेस लेट वन ठीक है अगर तुम सेंटेंसेस के बीच लेट वर्ड आ जाए तो फिर अपना नरेशन नो डायरेक्ट नरेशन नो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच नो इनडायरेक्ट स्पीच के बीच की में चेंज करना फॉर एग्जांपल शी सेड टू अस शी सेड टू अस इनवर्टेड कॉमास स्टार्ट Let us play hide and seek. Let us play hide and seek. Then inverted commas close. अंजी पहले मैं तो आपको दस या सी सेड टू नू हटा के आपको कुछ भी प्रपोज्ड वगैरह सॉरी कमांडेड वगैरह या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड लगाना बट ऐसे आपका टू नू नहीं लिखना ओनली सेड तो लेट वाले दिन जब आप की करेंगे प्रपोज्ड लगाना शी प्रपोज्ड सेम टू इतने लग गया था टू अस शी प्रपोज्ड to us then inverted comma nu hata ke apna ki lagaenge that let be pratyay jaoga inverted comma nu hata ke ki lagaenge apna that the left ki jagah hai let wale jo hamesha should use karna ho dekho let us play hide and seek abhi sanu hide and seek khelna to ta hone dekho us nu apna dekho that she said to us unne sanu kya sana आप इन्वॉल्व तो इतने आप बना वी ठीक है वी क्योंकि शी सैड टू अस उन्हें सानू क्या आप इन्वॉल्व इस करते बनावे
One more example. Raju said to his friend. Raju said to his friend. Inverted commas. Start. Let us go out for a picnic. Let us go out for a picnic. Inverted comma. Commas close. Same. Only said inverted comma. It is proposed. Raju proposed to his friends. Raju proposed to his friends. Raju ne apne friend ko propose kiya. Hun dekho let nu te apa inu commas nu hata ke that. Hun dekho ji let us go out. Hun us nu apa change karna kide karna. Raju ne ki apne friends nu kya si jide vich apa involve nahi hai ki. Raju said to his friends third person si. So let us ji us let ki jagah te apa let They should go out for a picnic. Okay? Ape we use kita si kyunki Raju ne she said to us. Unne sanu kya. But ede vich ki si Raju said to his friends. Jede ki ek involve ne apne friends nu kya. So ape ethe use kita they should go out for a picnic. Clear? Next aa jayegi introgative sentences. Narration de vich introgative sentences means question wale sentences. Question wale sentences students two types naal aunde aa. First ta jadon tade kole when, what, why or where jede when, what, why and where. ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਲਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਕ ਡੂ ਡਸ ਡਿਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਵਾਸ ਵਰ ਐਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ ਆਈ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ inverted commas start when are you coming question mark then inverted commas close theek hai hun inde vich aa gaya apne kole w when what why where theek hai same dekho when are inde vich dekhiyo question mark wale vich ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਸਕ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਈ ਆਸਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਕ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਡ ਵਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਰੱਖਣੇ ਸੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੈਡ ਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਕ ਲਾਉਂਗਾ ਆਈ ਆਸਕ ਹਿਮ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਨ जो अपन वर्ड दिता वैन इन्दे विच यू है ना अपने पिक वर्ब को जड़ा अपना हेल्पिंग वर्ब दिता होगा ए नहीं लिखना पहले यू किया ऑब सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की है हिम वैन ही ता इज एम आर आएंगे तो अपन नरेशन की क्या सी इज एम आर चेंज अकॉर्डिंग चेंज इन वॉज वर्ब ही वॉज देन फॉर्म्स इन कमिंग I asked him when he was coming. Okay. Second example. He said, "Where is my mother?" He said, inverted comma start. Where is my mother? He said,
वियर देन फिर देखो माय मदर ठीक है एक बार आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना पहला आप ऑब्जेक्ट लिखना माय मदर ठीक है तो माय मदर को पहला आप लिखेंगे he माय मदर के माय की जगह फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट he यानी माय मदर का किया जाएगा his mother his mother then is mr change was then question mark इतने भी जी question mark clear where is mother was बच्चे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आते आंसर देने चक्का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे वेयर इज मदर वॉज क्योंकि अब्बा हेल्पिंग वर्ब जड़े स्टार्टिंग ते सी पहला हम अब्बा पीछे लेके पहला अब्बा ऑब्जेक्ट को लेके आया एज अ सब्जेक्ट यूज किया हिज मदर वॉज क्लियर देन ठीक हम दे जी अपने को हेल्पिंग वर्ब वाली हिज एम आर is am are do does did वाली उन्हें दी एग्जांपल आप कर दें जी he asked will you serve उन्हें आप करेंगे जी do does did helping verb वाली will he asked will you serve me faithfully He asked, "Will you?" Ratan said to me. Give me example, darling. Ratan said to me. Inverted commas. I accompany you to Shimla. Will I accompany? Will I accompany you to Shimla? To Shimla for Shimla. हाँ जी इस विचार की करेंगे आस्तुन तब गाने में कहना सेंटर टूटी जगह दे बट इनवर्टेड कॉमास को हटा के आप की लगावांगे इफ रतन आस्क्ड मी इनवर्टेड कॉमास को हटा के जदों तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਬਲਯੂ ਵਾਲੇ ਬਟ ਵੇਅਰ ਵੈਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲਗਾਣਾ ਸਿਰ ਆਸਕ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਫ ਲਗਾਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰਸਨ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਵਿਲ ਵੁੱਡ ਅਕੰਪਨੀ ਯੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟ ਮੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਅਕੰਪਨੀ ਹੀ ਵੁੱਡ ਅਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ऑब्जेक्ट की मी टू शिमला ठीक है क्वेश्चन मार्क का पा हटा देना सेट रूल लगा के आस्क्ड इनवर्टेड कॉमास को हटा के इफ फिर अपन पहला पर्सन लेके आवेंगे क्योंकि अपन को क्वेश्चन के फॉर्म जो नहीं लिखना था ही वुड देन विल चेंज इनटू वुड अकंपनी यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट Me to Shimla. Clear? Then अपने को ले आगे जी कुछ sentences होते हैं जिधे अपने को ले exclamatory signs वाले होते हैं. Exclamatory signs जिन्दे इच्छा reaction show करते हैं. अगर आपका ना ज़्यादा खुशी होए तो अपना face reaction होता ना होता. अगर आप sad होने हैं तो अपना reaction होता ना. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਕਸਕਲੇਮ ਸਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਕਲੇਮ ਸਾਈਨ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਵਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ
But a beautiful flower. Then last exclaim sign. Then inverted commas close. Now, देखो जी, in this case ना center की जगह पे आपको क्या करना है? Exclaim. Exclaim. She exclaimed that. What a beautiful flower. कितना सुना flower है. तो आप ये रिच की कर लोगे. The flower. आप पहले इंद्रिय चप्पा object ले लोगे. The flower. Then center obvious आप past दे रिच ये. The flower was very beautiful. The flower was very beautiful. Next example. I said inverted commas long life my nephew long life my nephew exclaim sign ठीक है हम देखो जी अगर आप किसी ने कहना we made my long life my nephew तो ऐसे की अपन wish की थी I wished that I wished that ठीक है पहला तो अपन exclaimed क्या सीखा exclaimed that but here wished that my nephew might live long my nephew might live long ठीक है ऐसे अपन की कितनी भी wish की थी और तेरी I wish that my nephew live long clear हूँ देखो जी जितने हुर्रा वर्ड है जी हुर्रा ठीक है उतने तुसी करोगे exclaimed with joy that जितने तो alas वर्ड है जी उतने आज उधर exclaimed with sorrow that ठीक है हुर्रा इधर कितना मतलब अपने एक्सप्रेशन की खुशी है ठीक है एक का जंदा alas exclaimed with sorrow that सो जिन्हें अपने नरेशन के रूल्स सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए होप तो सारे समझ आ गए होंगे सो थैंक्स अ लॉट